टीवी चैनल हाँ लगा हुआ हाँ चल रहा है चल रहा है तुमको क्या हुआ बोलो बड़ा साहब जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, अब इस फैसले पर आपकी क्या राय? सदियों से चला आ रहा मुतनाज़ा मामला, विवादित मुद्दा का आज खात्मा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये फैसला तारीखी फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। पहले भी हमने कहा था कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा उसको हम बसरो चश्म कबूल करेंगे, तो हमने इस फैसले को बसरो चश्म कबूल कर लिया है। इसमें हिंदुस्तान में रहने वाले दो बड़े तबके ऐसे हैं जो हिंदू और मुसलमान के नाम से जाने जाते हैं। इसमें इस फैसले में किसी की हार नहीं हुई है, दोनों तबकों की जीत हुई है, तो इसलिए यह फैसला सभी तबके के लिए ख़ास तौर पर हम लोग इसका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, मैं एक शिया समाज से हूं, मेरा नाम है शानू काजमी। आज जैसे ये फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अयोध्या को लेकर, ये हम सबको मानना चाहिए। आपसी जो भाईचारा है वो ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह इतने साल हो गए अभी तक ये फैसले पे आजकल यही चल रहा था कि कहते लड़ाई एक दूसरे से माहौल ख़राब की बात है, ये आएगा फैसला। अब ये कम से कम एक मुद्दा ख़त्म हुआ, अब इससे देश आगे बढ़ेगा, आगे की सोचेगा, इसी में नहीं उलझेगा, मस्जिद मंदिर इसमें नहीं उलझेगा। और ये जैसा कि एक हफ्ते से अपील चल रही थी सुप्रीम कोर्ट को फैसलों को लेकर, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, इसमें प्रशासन ने मीडिया ने बहुत अच्छा इसमें साथ दिया, सहयोग किया है। पब्लिक को भी चाहिए अब आपस में अमन चैन से रह के दिखाएं, मंदिर मस्जिद से निकल कर कुछ ऐसा काम कर जाए जो हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल हो, कुछ ऐसा आपसी भाईचारे की एक मिसाल दे दो। जो लोग गलत लोग होते हैं, जो दहशतगर्द टाइप के लोग होते हैं, उनको एक मैसेज जा सके, देखो हम लोग जो है मंदिर मस्जिद से मरने वाले नहीं, हम लोग इंसानियत से मरने वाले हैं, यही हमारे हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब है, इसी पर हम लोग जो है कायम रहेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद जय भारत।